टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता को शराब के नशे में धुत एक सभासद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावरों ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता के पेट, हाथ और चेहरे पर लगभग चाकुओं के 8-10 वार किए। ककोड़ में सांप्रदायिक तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हमले के मुख्य आरोपी सभासद को गिरफ्तार कर लिया और फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायल को नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका सफल ऑपरेशन होने की खबर है। वाकया बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती यह है काकोड़ का हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता राहुल जायसवाल। आरोप है कि कल रात 9 बजे राहुल घर से सामान लेने के लिए निकला था कि रास्ते में एक मीट की दुकान के पास मिले ककोड़ के सभासद नफीस से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नफीस ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर राहुल जायसवाल को चाकू से गोंद डाला और फरार हो गया। वारदात के बाद लोगों ने रात में ही थाने का घेराव किया। सांप्रदायिक तनाव के चलते कई थाने में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई। घायल को ककोड़ से नोएडा के एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है राहुल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये पूरा मामला अभी तो वो राहुल हाउस में आ जाए, राहुल जायसवाल जो हमारा कार्यकर्ता है, तभी पता पड़ पाएगी। लेकिन अभी तक की जहाँ तक बात है, उसमें ये सामने आ रहा है कि नफीस ने उसको चाकू लेके उस पर जानलेवा हमला कर दिया और जिसमें वो बुरी तरीके से घायल है और डॉक्टरों ने 72 घंटे का समय मांगा है। 72 घंटे बाद ही पता पड़ेगी कि वो उसकी जान बच पाएगी या नहीं। वहाँ जैसा बता रहे हैं, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, वहाँ बता रहे हैं कि उसके पेट की आंतें बाहर आ गई थी, बाजुओं पे, गर्दन पे उसके जो है चाकू लगा हुआ है, गर्दन पे या सिर पे। तो आपने पुलिस से अब किस तरह की मांग रखी और पुलिस ने क्या कहा आपसे, अभी बात करी थी जो पुलिस ने, हमने मांग रखी है कि तुरंत उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। ऐसा कौन सा संरक्षण है यहाँ, किस ऐसा कौन पुलिस में है या यहाँ का कोई और दबंग व्यक्ति है कि जिसके संरक्षण से वो तुरंत यहाँ से भाग गया, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 14 घंटे से अभी अधिक का वक्त हो गया है। उसके अलावा हर बार त्योहारों पर ऐसा माहौल क्यों यहाँ क्रिएट किया जाता है, इस विषय में किसी न किसी विषय कोई संरक्षण उनको देता है और बाई प्लान ये सब किया जाता है। राहुल जायसवाल यहाँ समझा जाता है कि अकेला परिवार है, अगर हम जातिगत बात करें, ऐसा नहीं है, वो हम सबका भाई है, पूरा बुलंदशहर उसके साथ खड़ा है। सुबह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मंदिर में एकत्र हुए, जिन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी नफीस की गिरफ्तारी की जानकारी देकर शांत किया। कल रात में पूर्व में हुई किसी बात को लेकर के नफीस नाम के एक व्यक्ति ने राहुल को पे चाकू से वार किया था। उसको यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ और इलाज चल रहा है। जो घटना में सम्मिलित अभियुक्त था, उसको सतत प्रयास करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी की मांग रखी है और हमने उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है और बाकी जो बातें हैं जो उसकी जांच करा कर परिवार के लोगों से कल से मेरी बात हो रही है। परिवार के लोगों का ये मांग थी कि उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसमें लगातार हम लोगों ने समग्र प्रयास करके उसकी गिरफ्तारी कर ली है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक जाँच में किसी 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में ये दोनों पक्ष भी नहीं थे, ना मारने वाला था ना जिसको लगी है विक्टिम जो है उसको भी, दोनों पक्ष नहीं, लेकिन उसी बात को लेकर के ये दोनों आपस में भिड़ गए और इस प्रकार उनका। फिलहाल पुलिस अब फरार 2 अन्य हमलावरों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।